हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सूजी से एक बेहतरीन मिठाई। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में ये मिठाई बनके रेडी होती है। तो चलिए झटपट से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है और सेम कप से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे आपको कोई 1 या 1.5 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जस्ट आपको चीनी और पानी को उबाल के एक शुगर सिरप बना के रेडी करना है। जब आपको ऐसा स्टिकी सा चिपचिपा फील हो, उसी टाइम पे आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम बनाएंगे स्टफिंग मिठाई के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेजिकेटेड कोकोनट 1 टेबल स्पून, नारियल का बुरादा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया है मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, और साथ ही में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एडेबल फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क, और एक स्टफिंग बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप फूड कलर स्किप भी कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। अभी यहाँ पे हम ये मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी करेंगे। और ये स्टफिंग के अंदर यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो आपकी चॉइस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टफिंग बनके रेडी हो चुका है, और ये स्टफिंग के इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर देंगे। नेक्स्ट अभी हम बनाएंगे डो। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून घी लिया है। यहाँ पे हमारा घी मेल्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे सूजी 1/2 कप। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास फाइन सूजी नहीं है बारीक वाली, तो आप यहाँ पे जो मोटी वाली सूजी है उसको ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमें सूजी को रोस्ट करना है, जब तक उसका कच्चापन चला ना जाए तब तक, करीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है, और मैं ऐड करूँगी 1 कप दूध। तो यहाँ पे अभी हम दूध और सूजी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और जो गुठलियाँ पड़ रही है, जो लम्स पड़ रहे हैं, उसको ब्रेक करते जाएंगे। जैसे जैसे सूजी दूध को एब्जॉर्ब करती जाएगी, वैसे गुठलियाँ भी ब्रेक होती जाएगी, और एक स्मूथ डो बना के हमें रेडी करना है। अगर कोई लम्स ये डो के अंदर रह भी जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डो को हमें बाद में अच्छे से गूंदना भी है, तो उस टाइम पे ये गुठलियाँ ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डो का मिक्सचर है उसने पैन को छोड़ दिया है। तो अभी हम ये मिक्सचर को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे करीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारा डो ठंडा हो चुका है, करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। जितना हम हैंडल कर सके उतना डो ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा एंड 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी के साथ, और एक सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। तो करीबन 5 मिनट के लिए आपको ये डो को अच्छे से मसल के गूंदना है, जैसे हम पूरी का आटा गूंदते हैं वैसे ही अच्छे से हम गूंदेंगे ये आटे को भी। तो जिससे क्या होगा, जब हम मिठाई बनाएंगे तो हमारी मिठाई में क्रैक्स नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी हमने जो डो बना के रेडी किया था उसमें से एक थोड़ा छोटा सा पोर्शन लेके हम वो डो को हथेलियों के बीच में इस तरह से मसलते जाएंगे और स्मूथ कर देंगे। और इस तरह से फ्लैटन करने के बाद इसके बीच में जो हमने जो कोकोनट का स्टफिंग बनाया था वो रख देंगे, और चारों साइड से इसको सील कर देंगे, और एक सॉफ्ट सा पेड़ा बना के रेडी करेंगे। इस तरह से आपको गोल घुमाते जाना है और एक सॉफ्ट सा पेड़ा बना के रेडी करना है। अगर आप चाहो तो इस तरह से प्लेट के अंदर रोल करके सारी जो साइड्स है, जो एजिस है, उसको अच्छे से सॉफ्ट कर दीजिए, जिससे उसमें क्रैक्स ना पड़े। और इसी तरह से आप सारे पेड़े बना के रेडी कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और हम 3 से 4 पेड़े एक साथ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे।
और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ऑयल का जो टेम्परेचर है वो धुएँदार हॉट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर है वो धुएँदार हॉट होगा तो आपकी मिठाई की जो परत है वो बाहर से जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। और आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको मिठाई को तलना है। तो लीजिए, यहाँ पे अभी हमारी मिठाई तल के रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से हम सारी मिठाई तल के रेडी कर लेंगे। तलने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारी मिठाई अंदर से कच्ची ना रह जाए। और यहाँ पे अभी हमने जो मिठाई तल के रखी है उसको हम सीधा ही शुगर सिरप में हम डाल देंगे। तो और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी शुगर सिरप है वो हल्की सी थोड़ी गर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा, जो हमारी सिरप है वो मिठाई के अंदर तक चली जाएगी। अभी हम ये मिठाई को ढक के छोड़ देंगे करीबन एक घंटे के लिए। और ये मिठाई को आप ठंडा या गर्म सर्व कर सकते हो। और ये मिठाई को आप त्यौहार के कुछ दिन पहले बना के रख सकते हो। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी रस से भरपूर मिठाई जिसका नाम है रसबरी बनके रेडी हो चुकी है। और रसबरी को मैंने गार्निश किया है पिस्तासियो से और ड्राई रोज पेटल से। तो बहुत ही डिलीशियस ये मिठाई लगती है। जिसको गुलाब जामुन बनाना कठिन पड़ता है वो ये मिठाई ज़रूर से बनाइए। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग मिठाई ये बनती है। तो ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।